खबर का असर देखने को मिला। कनिष्ठ खाद्य अधिकारी पहुंचे गांव, ग्रामीणों को पूरा राशन मिला। श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक की ग्राम पंचायत कलारना में उचित मूल्य की दुकान से उपभोक्ताओं को 2 माह का राशन नहीं मिलने की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचकर फास्ट समाचार के द्वारा ग्रामीणों से बातचीत की गई। राशन नहीं मिलने की समस्या पर फास्ट समाचार के द्वारा खबर प्रकाशित कर ग्रामीणों को राशन नहीं मिलने की समस्या को प्रमुखता से उठाया, जहां शासन और प्रशासन को खबर के माध्यम से समस्या का संज्ञान होने के बाद खाद्य विभाग कराहल के कनिष्ठ खाद्य अधिकारी सुनील दत्त शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया। और इतना ही नहीं, खाद्य अधिकारी सुनील दत्त शर्मा खुद मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की, साथ ही साथ ग्रामीणों की समस्या को सुना। उचित मूल्य की दुकान का उन्होंने निरीक्षण भी किया, साथ ही मौके पर पंचनामा तैयार कर उचित मूल्य दुकान संचालक को सभी हितग्राहियों को शेष बच रहे राशन का वितरण करने का निर्देश दिया, जहां फास्ट समाचार की खबर के असर के चलते ग्रामीणों को दोबारा राशन का वितरण किया जाएगा। सर, एक खबर पत्रिका न्यूज में प्रकाशित की गई थी और TV 27 साथ में जो है फास्ट न्यूज, इनमें एक खबर प्रकाशित की गई थी कलारना पंचायत को लेकर, जिसमें उचित मूल्य की दुकान से लोगों को, उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल रहा था। शिकायत थी कि 2 माह से राशन नहीं मिला। मीडिया टीम ने मौके से जाकर अवलोकन भी किया और लोगों के पूछताछ की, लोगों से जाना, उसके बाद शायद खबर का संज्ञान आपको भी हो। और खबर के संज्ञान के चलते कल आपने जाकर के पंचायत में एक पंचनामा भी बनाया था। क्या पंचनामा बनाया था सर? मैं कल पंचायत में जाके उसी तारतम्य में जो शिकायत हुई थी मैंने जाके जांच की थी। मैंने दुकान का भौतिक सत्यापन भी किया था, मशीन के अनुसार रिकॉर्ड भी चेक किया, तो उसके अनुसार उनके स्टॉक के अंदर उनके पास वर्तमान में गेहूँ चावल का स्टॉक है, तो सितम्बर माह का खाद्यान्न दुकान को प्राप्त नहीं हुआ था। तो क्या क्या पाया गया सर दुकान पर? दुकान के अंदर मैं बताता हूँ, गेहूँ 5 किलो और चावल तो शून्य था, स्टॉक में था ही नहीं, ना मशीन में है ना भौतिक सत्यापन में मिला। शक्कर 183 किलो और बाजरा 13 क्विंटल 94 किलो पाया गया मौके पर जी। और चूंकि दुकान को सितंबर माह का खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए हितग्राहियों को सितंबर माह का खाद्यान्न जो 2 बार बढ़ता है PMGKY एक मुख्यमंत्री योजना के तहत, एक निःशुल्क मिलता है और ₹1 किलो के मान से मिलता है, तो 2 बार हितग्राहियों को खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है, तो वो खाद्यान्न उनको पूरे सितंबर माह में बढ़ नहीं पाया क्योंकि हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था, नान से हमें खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ था। संभवतः आज या कल में उस दुकान तक खाद्यान्न पहुँचेगा और हम जल्दी उनको वो दोनों जो हैं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आगामी 2-3 दिनों के अंदर उनको पूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करा दें। जैसा कि सर आपने भी बताया कि पंचनामे के अंदर जो खाद्यान्न आपको वहाँ उपलब्ध मिला उसमें आप शक्कर बता रहे हैं, कितनी बता रहे थे सर? 183 किलो। लेकिन स्थिति ये है कि अभी वर्तमान में आज की दिनांक में और आज के समय में वहाँ पे शक्कर उपलब्ध नहीं है। नहीं, मैंने मौके पे सत्यापन किया थी। आपने मौके पे सत्यापन किया, दुकान खुलवा के सत्यापन किया कि शक्कर थी उसके अंदर जी। अब वो वितरण इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि माल नहीं था, खाद्यान्न के साथ ही वितरण होगा और आगामी 3-4 दिन में जैसी मशीनें खुलती हैं हम संपूर्ण वितरण करा देंगे। उसके बाद मैं फिर जाऊंगा दुकान की जांच करने और मौके पर फिर जाऊंगा कि लोगों को खाद्यान्न प्राप्त हुआ किन को नहीं हुआ। नहीं तो स्थिति ये है कि 2 महीने से लोगों को राशन नहीं मिला। हाँ, वो खाद्यान्न नहीं पहुँचा इस कारण नहीं। तो खाद्यान्न आप सितंबर का बता रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि विगत दो जो बीत गए 2 महीने, उन 2 महीनों में अगस्त का खाद्यान्न तो बटा है, 11, 12, 13 तारीख में बटा है, ऑनलाइन भी हमने रिकॉर्ड चेक किया है, तो अगस्त का खाद्यान्न तो लोगों को मिला है।